द केरला स्टोरी लगातार अपने विवादों में बनी हुई है। ये कहानी केरला की उन हिंदू महिलाओं की है जिनका धर्म परिवर्तन कर सीरिया ले जाया गया। फिल्म के एक ट्रेलर में एक डायलॉग कुछ यूं है कि ये एक ग्लोबल एजेंडा है, केरल 30 सालों में एक इस्लामिक स्टेट बन जाए। दरअसल ये मामला हल्द्वानी का है, जहां एक लड़की शहर के एक मॉल में काम करती है और जहां एक लड़का भी उसी मॉल में काम करता है। धीरे धीरे लड़का लड़की में दोस्ती होती है और लड़का लड़की को शादी का झांसा देकर अपना कमरा छोड़ उस लड़की के साथ रहने लगता है और लड़की को शादी का भरोसा देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। जब लड़की ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो वह किसी न किसी तरह उसको टालने लगा। एक दिन लड़की ने जब द केरला स्टोरी मूवी देखी तो लड़की को कुछ शक हुआ, क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी कहीं ना कहीं उसकी असल जिंदगी से मेल खा रही थी। जिसके बाद उस लड़की की आंखें खुली और उसके सामने सारा राज खुल गया। सच्चाई जानकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दरअसल लड़के का असली नाम अनमोल नहीं, फरमोद अली हसन निकला। लड़की से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसने अपना नाम अनमोल बताया था। किसी को उसकी असलियत ना पता चले इसलिए उसने अपने व्हाट्सएप की डीपी पर बजरंग बली का फोटो लगा रखा था। जब ये मामला उजागर हुआ तब बजरंग दल और हिंदू संगठनों इसकी पड़ताल की। उसके बाद हिंदू संगठन ने लड़के को उसी के घर पे जा दबोचा। उसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेके आ गई। मगर हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी पर कार्रवाई ना करने पर भड़क गए और थाने के बाहर हंगामा करने लगे। हम लोगों को वो मिली और उससे ये पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था। तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है, लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, FIR। आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है, जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से, और उसके द्वारा कई बहनों के साथ, मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, उनके साथ अपना रिश्ते रख के वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो मैं मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमोद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम, युवती को पता चला कि फरमोद हसन है, तो उस पर उसने फिर एतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूँगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है, तो अभी वो पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानून धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस। ऐसे आपको बता दें कि इस फिल्म में 32,000 लड़कियों के गायब होने की बात कही गई है, पर फिल्म में ये कहीं नहीं बताया गया है कि ये आंकड़ा कहां से लिया गया है। बीते शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं के वकील से पूछा कि आखिर ये आंकड़ा आपने कहां से लिया, तो फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा कि ये फिल्म निर्माताओं के द्वारा जानकारी पर निर्धारित है। हालांकि कोर्ट ने इस आंकड़े की बात फिल्म ट्रेलर से हटा देने की बात कही है। अब ये फिल्म 3 लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित है।